Ladies and gentlemen, अब तैयार हो जाइए अगले एक्ट के लिए। ये तरबूज देख रहे हैं आप? तरबूज है, देखिए। भारी भी। लीजिए, लगाओ। Okay, ladies and gentlemen, one, two, three. तो देखा आप लोगों ने इसकी धार इतनी तेज कि एक ही बारी में तरबूज के दो टुकड़े हो गए। लेकिन इस बार इस खांचे में तरबूज की जगह किसी की गर्दन होगी। है कोई आप में से कोई बहादुर तो यहां पर आके अपनी गर्दन को रख सके? कहिए आप, आप या आप? कोई बात नहीं, मेरे दो ये असिस्टेंट हैं, ये बहुत बहादुर, ये रखेंगे अपनी गर्दन वहां पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तैयार हैं? वन, टू, थ्री। ये देखिए, बंदा बिल्कुल सही सलामत है, तरबूज कट गया लेकिन गर्दन बिल्कुल ठीक। अब उस एक्ट की तैयारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन हो सकता है आप में से कई लोगों ने वो एक्ट देखा ना। इस एक्ट का नाम है तोप का गोला। ये 100 साल पुरानी तोप मैं आप लोगों के लिए खरीद कर लाया इस एक्ट के लिए, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं एक्ट शुरू करूं आप में से ऑडियंस में से कोई आए और इस तोप को इंस्पेक्ट करे। क्लोजली आइए प्लीज, कोई भी आप, आप आइए, शर्माइए, आइए आइए, देखिए सब ठीक है, आइए पीछे खोल के देखिए सब सही है, आइए बैठिए अपनी जगह पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो तोप आप देख रहे हैं, मैं खुद इस तोप के अंदर जाऊंगा और यहां पीछे से इस तोप में आग लगाई जाएगी, बारूद फटेगा और मैं यहां से निकलकर वहां आप लोगों के पीछे से उस दरवाजे से निकलकर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठे क्योंकि मैं ये एक्ट शुरू करने जा रहा हूं। प्लीज एंजॉय दिस एक्ट और मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि ये एक्ट जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं चला। अरे भाई, जादूगर तो तोप से बाहर आया ही नहीं। अरे वो तो निकला ही नहीं यार। कहाँ गए? हाँ? मेरे पति कहाँ गए? तुम लोगों ने, तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ मेरे पति कहाँ है? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ? हमने तो वही किया जो बॉस ने हमसे कहा। फिर हमारे पति गायब कैसे हुए? बताओ तो। पता नहीं मैम, आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतने शोज किए हैं, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पति गायब हुए, तुम लोगों ने कुछ किया है। आगे कुछ करना पड़ेगा, अभी तो सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सचिन, तुम्हें गजदा याद है? वही जो क्लूनी मर्डर केस में गवाह था सर। हाँ वही वही। क्या हुआ सर? पता नहीं, पहले अच्छा भला आदमी था, आजकल बहुत बड़ा बदमाश हो गया है।
ये जो हीरा व्यापारी की मौत हुई थी ना, उसी ने खून किया उसका। क्या नाम था उसका? फ्रेडी, वो क्या नाम था उस हीरा व्यापारी का जिसका कासनी चौक में खून हुआ है? फ्रेडी, ये फ्रेडी ना मगर क्यों? साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? फ्रेडी, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर, सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इसे क्या हो गया? किताब में घुस गया। फ्रेडी, फ्रेडी, आबरा का डाबरा गिली गिली झुम। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही करोगी। फ्रेडी, क्या हो गया तुम्हें? गुड इवनिंग। सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ 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 सर। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम लोग एक घंटे से देख रहे हैं किताब के अंदर मुंह गड़ाए बैठे हुए हो। कौन सी किताब है ये, हैं बताओ। सर मैं जादू सीख रहा था सर। क्या जादू सीख रहे हो? सीआईडी छोड़ रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो सर, सीआईडी छोड़ के भूखा थोड़ी ना मर रहा है। तो सर आपको जादू सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? सर मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूँ सर। क्या? क्या क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अगर भाभी जी को पता चल गया तो? अरे सर उसी के लिए तो जादू सीख रहा हूँ, दिन रात उसकी हुकूमत पालता रहता हूँ। घर में कुछ भी नहीं चलती मेरी, कपड़े बीवी के पसंद के पहने पड़ते, खाना बीवी के पसंद का, जूते बीवी के पसंद के, यहाँ तक कि सॉक्स भी उसी के पसंद के पहनने पड़ते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या जादू से बीवी को बस में करोगे तुम? हाँ, आज के बाद मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुकुम चलेगा। बीवी का नाम सुनते ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, हैं? और तुम बीवी पर हुकुम चलाओगे? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, किडनैप हुआ है कि गायब हो गया है? कहाँ पे एग्जैक्टली? ठीक है हम लोग आते हैं। सर ये जो मशहूर जादूगर है वेताल, ये गायब हो गया प्रोग्राम के बीच में से। प्रोग्राम के बीच में से गायब हो गया? तो हो सकता है अभिजीत तो ट्रिक में गायब हुआ होगा। सर उनका कहना है कि तोप में से गोला छूटा और जादूगर गायब हो गया। तोप में से गायब हो गया? हाँ सर, तोप के अंदर घुसा हुआ था वो। अभिजीत ये पहली बार थोड़ी है वो ट्रिक कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं चल चल कर देखते हैं। जादूगर गायब हो गया, कहीं मैं ना गायब हो जाऊं। मेरी किस्मत में अगर बीवी की सेवा करना लिखा है तो वही सही। सर आप आ गए। आप? मैं वो जादूगर वेताल की वाइफ सर, मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ बताइए जरा। सर यानी उनकी ना पूरी उम्र गुजर गई जादू करते करते, पहले कभी नहीं ऐसे हुआ, यानी वो गायब हो जाते थे लेकिन दूसरी जगह से बाहर भी आ जाते थे सर। तो फिर आज ऐसे क्या हुआ जो वो वापस आ ही नहीं सके? नहीं सर मुझे पता नहीं। हाँ पर उनके साथ ना दो असिस्टेंट है जादू करते वक्त, उन्हें पता है सर। कहाँ है वो? वो देखिए वो वहाँ है सर। चलो बताओ बताओ कहाँ छुपा के रखा है जादूगर वेताल को? सर हम तो खुद परेशान हैं सर, और इस ट्रिक के बारे में उन्होंने हमें आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया सर। इस ट्रिक के राज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर। अरे वाकई सर इस राज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है सर, और सर वो कहाँ गायब हो गए हमें मालूम नहीं है सर। अभिजीत क्या इस तोप के राज के बारे में कुछ पता चल रहा है, कैसे गायब हो गया ये वेताल? वही देख रहा हूँ सर। एक बात बताइए आप लोग, ये जादूगर तोप में किधर से घुसते थे? सर यहाँ से घुसते थे वो। और उसके बाद हम लोग बारूद का गोला, सर ये बारूद का गोला
हम लोग सर यहाँ पे रखते हैं। यहाँ इस बाती को आग लगाते थे, है ना? सर मैंने भी ये जादू देखा है सर। यहाँ तोप के मुंह से एक बड़ा आग का गोला निकलता था और फिर इसमें से जादूगर गायब हो जाता था और कहीं दूसरी जगह से बाहर आता था। यस सर। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आग के साथ साथ जादूगर भी बाहर आता था। हाँ, मगर ये जादूगर आज क्यों नहीं बाहर आया? पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया। सर अगर वो यहाँ से फायर के साथ निकला भी तो लगभग वहां तक जाना चाहिए सर। हो सकता है वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बात बताइए, जब शो चल रहा था तो यहाँ पे भी लोग बैठे थे? हाँ सर, यहाँ पे बैठे थे। अच्छा, इस तोप के ब्लास्ट में इतनी ताकत है कि जादूगर वहां से यहाँ तक आ सकते थे? हाँ सर। तो यहाँ तक आने पे यहाँ गिरने में चोट नहीं लगती उनको? आग के साथ आते थे तो कहीं जल वल तो नहीं जाते? नहीं सर, जलते क्यों नहीं वो तो मुझे नहीं पता, उन्हें पता है सर। ठीक है, जब भी वो मिलेंगे हम पता लगा लेंगे। मगर वो गए तो गए कहाँ? कहीं ये भी कोई जादू तो नहीं उनकी कि कुछ देर बाद कहीं और से बाहर निकल आएंगे और हम लोग यहाँ बिना बात के? नहीं नहीं सर, सच में ऐसे नहीं है सर। हर बार वो 10 मिनट बाद वापस आ जाते थे सर। हमेशा वापस आते थे? हमेशा सर। अरे तो हेलो। हाँ अच्छा, कहाँ पर? ठीक है, हम लोग आते हैं। अभिजीत, एंटोपिल में जली हुई लाश मिली है, लेट्स गो। चलिए पीछे चलिए आप लोग, प्लीज पीछे जाइए। अभिजीत, इस आदमी ने तो जादूगर के कपड़े पहने हैं। कहीं ये जादूगर वेताल तो नहीं? एक बात बताओ, क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत, किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के छुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। सर लेकिन उस तोप में इतनी ताकत है क्या एक आदमी को वहां से लेके यहाँ फेंक सके? अभिजीत, ये सवाल तो तब उठेगा जब ये पता चलेगा कि ये लाश वेताल की है। लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। कुछ पता चला सर? पता चला तो है थोड़ा थोड़ा। अरे हमें भी तो बता दे साळुंखे। ले आगे टाइम दे। तारिका के कान में क्या बड़बड़ा रहा है, जरा हमें भी तो बता। नहीं नहीं, मैं बड़बड़ाता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एसीपी प्रद्युमन इज अ फैंटास्टिक मैन, करेक्ट जगह पर करेक्ट टाइम पे पहुंचते। डॉक्टर साहब, ये जादूगर आधा जला हुआ है आधा सलामत है, ये कैसी आग है जो आधे में बुझ गई? हाँ दया, है तो ये अजीब आग और उस आग से भी ये मरा नहीं। क्या? हाँ। जले हुए आदमी की मौत जलने से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई सर? अरे यार फेडी, इसकी मौत जलने से हुई नहीं, इसे मरने के बाद जलाया गया। बाबा इसे मरने के बाद जलाया है? मैं बता, ये देखो ये टूटी हुई पसलियां देख रहे हो बस? हाँ। हुआ यूं होगा बॉस, ये आदमी ऊपर से नीचे गिरा होगा, नीचे सीधा एक नुकीले पत्थर पर जाके गिरा होगा, नुकीला पत्थर इसकी पीठ में से घुसा, इसकी पसलियां टूटी, टूटी हुई पसलियों में से एक पसली सीधी जाकर के लगी दिल में, दिल में हुआ छेद, ये आदमी वहीं खत्म। ये देखिए, ये उस जादूगर के घर से लाया हुआ एक्सरे है
और ये एक्सरे इस लाश का है जो हमने निकाला। ये दोनों बिल्कुल मैच होते हैं। दोनों में एक ही जगह दांत टूटे हुए। हाँ, ये एक्सरे तो बिल्कुल मैच होते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं बॉस, एक मिनट देखो। इस लाश का डीएनए और जादूगर का डीएनए दोनों मैच होते हैं। हाँ यार, एक्सरे भी मैच हो रहे हैं और डीएनए का रिपोर्ट भी एक ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही आदमी जादूगर है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जादूगर इतनी दूर जाके कैसे गिरा। तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही सर, ये जादूगर तोप में से निकल के वहां एंटोपी कैसे पहुंच गया। ये तोप अच्छी है सर, काफी पावरफुल है। 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया उसने जादूगर को, वहां से निकला सीधा नीचे गिरा। फिर तो फ्रेडी बार बार मौत हो जाती जादूगर की, क्योंकि जब जब वो तोप में घुसता तब तब हमें उसकी लाश मिलनी चाहिए थी। हैं? हाँ सर, पहले भी 50 बार ये तोप में घुसा है और हर बार तोप को फायर किया गया है। पहले तो कभी ऐसा मुंह नहीं जला उसका। कौन सा ये? सॉरी सर, मोबाइल पे मैसेज आया, देख लूं क्या? देख लो, भाभी का होगा। भाभी ने जोक भेजा है क्या? नहीं सर, सीआईडी जोक है। तो तुम्हें असली को क्या हो? ये तो कुछ भी नहीं है सर, 25-30 हजार जोक घूम रहे मार्केट में। चुप रहो, हाँ बता रहा। ए, रेडी यार, ये जोक मुझे भी सुनाना। सर, रेडी से की हंसी को देख के लगता है कि उन्हें ये जोक अच्छी तरह से समझ में आया। माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एसीपी बोलते हैं दया गाड़ी जोर से चलाना, नहीं तो खूनी भाग जाएगा। सॉरी, सोचो जरा। थिएटर की कोई दीवार नहीं टूटी है, फिर भी ये जादूगर तोप में से निकलता और वहां दूर एंटॉप हिल में जाकर के गिरता है। कैसे कैसे ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। ये तोप की वजह से नहीं मरा है, जादूगर का खून किया गया है। दया, जादूगर के घर जाना चाहिए। अब कैसे बताएं आपको? क्या हुआ? हमें आपके पति की लाश मिली है, जली हुई लाश। किसी ने उनका खून कर दिया है। नहीं, नहीं, मेरे पति, नहीं। इसने मारा मेरे पति को। यही पता लगाने के लिए हम आए हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई होगी? कहा सुनी? हाँ, एक बार उन्होंने अपने असिस्टेंट को डांटा था, अतुल नाम है उसका। उसने कुछ गलती कर दी थी, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर वापस भी आ गया सर। कहीं अतुल ने तो प्लान नहीं बनाया इस वेताल को मारने का? हो सकता है। आप इस अतुल का एड्रेस देंगे हमें? सर, एड्रेस की जरूरत नहीं है सर, वो तो आज ऑफिस में ही मिलेगा। हाथ ऊपर। चाकू नकली? सब हमारे पास तो नकली चाकू होता है। जादू में दिखाया असली जाता है और इस्तेमाल नकली का किया जाता है। और ये तोप? ये भी नकली है। ये वही तोप है ना जिसमें से जादूगर वेताल गायब हो गया था? जी सर। कुछ मालूम है कैसे गायब हुआ होगा वो? सर, इसके बारे में तो उसने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बताया। सचिन, जरा अंदर घुस के देखो, ये गायब होता कहाँ से, क्या चक्कर है? और
और ये अतुल और सुमिता कहाँ? सर वो तो अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, जाके ले आओ उन्हें। सर आजा चल, यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है सर। स्लाइडिंग डोर? देखो कहाँ खुलता है ये दरवाजा, शायद उस जादूगर के छुपने की जगह होगी वो। सर यहाँ पे एक छोटा सा केबिन है सर, लगता है तोप में आग लगने से पहले यहाँ पे आके छुप जाता होगा सर। हाँ मगर दूसरी जगह से निकलता कहाँ से होगा? देखो कोई सुरंग बना है क्या वहां केबिन में? नहीं सर कोई सुरंग भी नहीं है यहाँ पे। सुरंग? ठीक है सचिन तुम वापस आ जाओ। हाँ संभाल के, संभाल के। सर कुछ पता चला वेताल जी के खूनी का? क्या वेताल का खून हुआ था? सर मुझे लगा ऐसा कि उनका खून हुआ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि खून किया किसने? नहीं सर मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हमें मालूम खून किसने किया, खून तुमने किया है। सर मैं क्यों करूं कि अपने बॉस का खून? किया होगा तो अतुल ने किया होगा, यही हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ। ये क्या मुझे फंसा रही है? ये बिना बात के मुझे फंसा रही है सर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो, ये बताओ खून किसने किया? सर मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी ने ही किया है। हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ, और हाँ मारने की भी धमकी दी थी इसने। सर ऐसे तो ये भी कहती थी, ये तो कहती थी कि बॉस को तोप के गोले से उड़ा देना चाहिए, पूछे इसे बताओ। सर मैं तो ऐसे बस मजाक में कहती थी। ये मजाक हो गया? अच्छा तुम्हारे वेताल साहब किसी ऐसे आदमी से मिलते थे जो कभी गड़बड़ लगा? सर वो किससे मिलते थे किससे नहीं ये तो मालूम नहीं है सर, लेकिन सर एक बात जरूर अजीब थी उनमें, वो ये कि जब भी शो होता था वो शो से ठीक एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाते थे और ठीक शो से पहले वापस आ जाते थे। हमेशा? हाँ हमेशा सर। कहाँ पे जाते थे कुछ पता नहीं क्या तुम लोगों ने? ये तो नहीं मालूम है सर, तुम क्यों नहीं बोलती हो? सर उनकी बीवी तक को नहीं पता था, अकेले ही जाया करते थे। ठीक है हमें तुम्हारे वेताल साहब के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए, वो कहाँ कहाँ शो करने गए थे और किस किस तारीख को। सचिन इस जादूगर के बैंक में जाके देखो पिछले 3 महीनों में कहाँ कहाँ पे पैसे गए हैं, जो भी उसने खर्चा किया उस सबके बिल्स लेके आओ। सर ये लोग तो कह रहे थे कि वेताल दूसरे दिन वापस आ जाता था, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं जाता होगा सर। हाँ फ्रेडी आसपास ही जाता होगा, और जहाँ पे जाता था वहाँ वहाँ पे जो पैसे खर्च करते थे वो तो बैंक स्टेटमेंट में पता चली जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। सर ये वेताल ने 2 महीने के अंदर अलग अलग जगहों पे 12 शोज किए हैं। अच्छा 12 शोज? हाँ सर। कहाँ कहाँ पे किए? ये मुंबई में 7 शोज, अहमदाबाद में 3, और ये थाने में 2 शोज। ये देखिए 2, 3, 4, 14, 15, 16 और 22 जनवरी को मुंबई में, 1 और 2 फरवरी अहमदाबाद, और 11 और 12 फरवरी थाने में। और सर जिस जिस दिन ये शो शुरू हुए है उससे बस एक दिन पहले वेताल के बैंक अकाउंट से पैसे गए। अच्छा कहाँ कहाँ गए पैसे? पूना में होटल को गया है पैसा और पेट्रोल पंप को। ये देखिए इसका मतलब ये वेताल शो से एक दिन पहले पूना गया था अपनी गाड़ी लेके, और पेट्रोल भी वहीं पे भरवाया था। सर ये देखिए ये होटल और पेट्रोल पंप के अलावा ये बैंक से 1,00,000 रुपए कैश भी निकाले थे। हर बार 1,00,000 रुपए? हाँ सर। और ये देखिए और ये हर बार 1,00,000 रुपए शो शुरू होने से एक दिन। सर हाँ
मुझे तो लगता है इस वेताल का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था पुणे में, इसीलिए वो बार बार मिलने जाता होगा पुणे। मैं फिर सोचने वाली बात यह है कि वो शो से एक दिन पहले ही क्यों जाता था मिलने के लिए। हाँ, हर बार शो शुरू होने से पहले वो पुणे की तरफ क्यों भागता था? हाँ, ये तो अब पुणे जाके पूछताछ करने से ही पता चलेगा। कौन सा होटल है जहाँ पे वो ठहरा था पुणे में? ये पार्क व्यू रिसॉर्ट। होटल पार्क व्यू रिसॉर्ट। Excuse me. Good morning, sir. कहिए, how can I help you? हम लोग यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। वेताल? Sorry, sir. लेकिन हम किसी वेताल को नहीं जानते। मशहूर जादूगर वेताल, आप उसे नहीं जानते? सर, जादूगर वेताल का नाम तो सुना है पर हम लोगों ने उसे कभी देखा नहीं। आप कौन? सर, मैं यहाँ का मैनेजर गोविंद। आप लोग? मिस्टर गोविंद, हम लोग CID से हैं। हम यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए, शायद वो इसी होटल में ठहरा था। सर, ऐसे तो बता नहीं सकते, वो यहाँ आया भी होगा तो कह नहीं सकते, जब उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो कैसे बता सकते। ये देखिए, ध्यान से देखिए, साथ में ये आदमी आपके होटल में ठहरा था क्या? हाँ सर, ये आदमी यहाँ आया था और उसने कमरा भी बुक किया था कई बार, मगर वो यहाँ रुका नहीं, ज्यादा वक्त वो बाहर ही रहता था। कमरा बुक किया था मगर ठहरा नहीं, मतलब? वो यहाँ आता था मगर एक घंटे के बाद फ्रेश होके गाड़ी यहाँ पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था। कहाँ जाता था कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो कार वाला बता सकता है जिसे वो कार भाड़े पे लेता था। अजीब आदमी, अपनी कार को यहाँ पे छोड़ के किराए की गाड़ी में जाता था, कहाँ से मंगवाता था ये गाड़ी? प्रीतम कार रेंटल एजेंसी से। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। हेलो सर, कहिए, छोटी गाड़ी चाहिए कि बड़ी गाड़ी चाहिए? मैं छोटी गाड़ी चाहिए ना बड़ी, हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? देखिए, अभी दो दिन पहले एक वेताल नाम के आदमी ने यहाँ से गाड़ी बुक करवाई थी, वो पार्क व्यू रिसोर्ट में ठहरा हुआ था। हाँ सर, और पार्क व्यू रिसोर्ट में तो हमारी यहाँ की गाड़ियाँ थी, लेकिन आप लोग है कौन? CID। एक खून की तहकीकात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हाँ सर, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, देखिए वेताल, वेताल का नाम यहाँ लिखा हुआ है। गाड़ी वहाँ लेके कौन गया था? मैं उस ड्राइवर से मिलना है। अरे जग्गू, इधर आ। देखिए ये CID से, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। CID? उससे क्या पूछना है सर? होटल पार्क व्यू से उस कस्टमर को तुम कहाँ लेके जाते थे? कौन कस्टमर? हाँ अच्छा सर, वो जो मतलब अपनी गाड़ी होटल में छोड़ के जाता था। हाँ वही सर, वो तो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर जाता था। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह। ये हमेशा तुम ही उसे लेके जाते थे या कोई और भी लेके जाते? सर, मैं तो सिर्फ दो बार लेके गया, इसके पहले वो चंपक लेके जाता था। ये दोनों बार वो अकेला था या कोई साथ में था उसके? जाते वक्त तो वो अकेला होता था, लेकिन आते वक्त वो दो होते थे। ये क्या नई बात बता दी तुम? जाते वक्त अकेला, आते समय दो लोग, ये क्या चक्कर था? सर, आते वक्त कोई बाई उसके साथ आता था। बाई? औरत? हाँ सर। देखा सर, ये आशिकी का ही चक्कर है, इस वेताल का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, उसी से मिलने जाता होगा ये। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इस वेताल के चक्कर के बारे में उसकी बीवी को पता चल गया और उसी वजह से मरवा दिया। ये औरत कौन थी? तुम उसे फिर से देखोगे तो पहचानोगे? सर, कैसे पहचान पाएंगे, उसको तो कभी मैंने देखा ही नहीं, अक्सर वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती थी। अरे वेताल, छुपा हुआ रुस्तम, धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे पत्ते खुलने लगे। सर, ये आगे से लेफ्ट लेना। अच्छा, तुमने कभी उसको फोन पे बात करते हुए सुना? फोन पे या उस औरत से कुछ बोलते हुए सुना? नहीं साहब, मेरे सामने तो अधिकतर वो चुप रहते थे, मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। जो आगे राइट में रास्ता दिख रहा ना सर, तो वहां से आगे जाके
पर ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है। हाँ सर, थोड़ा सा और आगे है। सर बस 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 यही। सुनसान जगह पे क्या करने आता होगा? यहाँ पे उतरता क्यों है वो? दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना घर है। यहाँ से आगे जाता। यहाँ से आगे? हाँ सर। यहाँ से आगे कहाँ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक घंटे बाद वो वापस आ जाता था किसी औरत के साथ। चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पे। जैसे मैंने सुना कि वो अपनी कार को होटल में छोड़ देता तभी मेरा दिमाग ठनका कि जादूगर जादू के अलावा कुछ गलत काम कर रहा था, नहीं तो भाड़े की गाड़ी लेके यहाँ पे आने की जरूरत ही क्या थी? सर हो सकता है यहीं पे अपना अड्डा बनाया हो और वहाँ से छुप के काम कर रहा हो। ये खून भी किसी गलत काम की वजह से हुआ होगा। कड़ी अगर ये भी मान लेते कि गलत काम की वजह से ही हुआ है तो फिर भी जादूगर की लाश उतनी दूर जाके कैसे पहुंची? वो देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर है। ओ मतलब ये वेताल यहाँ पे आता था, शायद इन्हीं किसी घर में जाता होगा। वो काम करते हैं इन घरों में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने वेताल को देखा हो। सुनिए भाई साहब। क्या पहचानते हैं इसे आप? मैडम ये इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं देखा है? ये आप ही के इलाके में रहते? नहीं सर नहीं देखा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? सीआईडी वाला हूँ, सीआईडी वाला समझे? सीआईडी वाले चोरों वाली हरकतें कब से करने लगे? ये चोरों वाली हरकत लगती है तुमको? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई घर में है भी कि नहीं। चलो अब तुम मिल गए हो तो ये फोटो देखो और बताओ इसे देखा कभी? हर ये तो अगले वाले घर में रहता है, महीने में आते रहता है। अभी घर पे है या नहीं ये नहीं बता सकता। थैंक्स सर। उस आदमी का घर पता चल गया सर? हाँ सर आइए सर। हाँ फिर यहाँ पे रहता है। सर इस लॉक को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये अंदर से लॉक है या बाहर से? हो सकता है ये बाहर गया हो। देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? चलो और हाँ ध्यान से होशियार रहना, खूनी अंदर हो सकता है। अरे सर मुझे मत भेजिए ना, पहले आप जाइए मैं आता हूं पीछे पीछे। गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींची गई है, मतलब साफ है इस आदमी का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर ये खून उसकी बीवी ने किया है, उसे पता चल गया होगा गर्लफ्रेंड के बारे में। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसका खून बीवी ने शो में ही कर दिया होगा ताकि दुनिया ये समझे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। चुप जाओ।
hey, हाथ ऊपर, कोई होशियारी नहीं है। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुजीत है। सर आप लोग कौन हैं? और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से एक खून की छानबीन कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीआईडी? खून? हाँ, वेताल को जानते हो ना? नहीं साहब, ये कौन है वेताल? ये वेताल है, इसका घर है ये। नहीं साहब, मुझे तो रतुल साहब ने भेजा था। लेकिन तुम ये औरत के भेष में क्यों आए? रतुल साहब ने कहा था औरत के भेष में जाना, इससे कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और तुम्हारे ये रतुल साहब कहाँ है? आज शाम की ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। सचिन, इससे पहले कि रतुल हमारे हाथ से निकल जाए, हमें इसे पकड़ना होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब यही देगा। तुम जानते हो रतुल को? सर मैं तो आज पहली बार मिला उससे। सर उसने मुझे पैसे का लालच दिया, मैं तैयार हो गया। कितने बजे मिलने वाला था वो? उसने कहा था कि उसकी 6:30 बजे की ट्रेन है, वहीं पर मिलूंगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है कुछ मालूम है? कौन सा कोच, सीट नंबर कुछ बताया उसने? सर इतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इतना पता है कि वो सर राजधानी ट्रेन से जाने वाला है। सर वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। और मिलेगा कहाँ पे ये तो बताया होगा ना? सर स्टेशन पे मेरे एक दोस्त की दुकान है, सर वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, जैसे वो दिखाई दे हमें इशारा कर देना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं समझे? सामान लाया? हाँ। इसी में? हाँ। ना डर क्यों रहा है? नहीं। डरेगा क्यों नहीं? सीआईडी जो है पीछे, हाँ? डरना तो पड़ेगा। क्यों? हाँ। चले। चलो। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तैयार हो जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा सिखा मत मुझे। सिखा नहीं रहे, बता रहे तुझे। बंदूक है मेरे पास, एक एक उड़ा दूंगा। गन हमारे पास भी है। ड्रामा बंद, चुपचाप खड़ा रहे। चल गंदे गंदे। उससे कहा मैंने, भागने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दे उसको, छोड़। अब कुछ खा के जाओ। पानी पानी। क्यों क्यों मारा तुमने वेताल को? हाँ मैंने मारा उसे। मेहनत मैं करता था और मजे वो लूटता था। पैसे भी तो देता था ना वो? देता था, लेकिन बहुत कम। मजदूर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। मेरी वजह से उसने इतना नाम कमाया दुनिया में। तुम्हारी वजह से नाम हुआ वेताल का? हाँ मेरी वजह से। मैं उसकी तरह दिखता हूं ना? अगर मैं नहीं होता तो जादूगर वेताल ये एक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कामयाब होता? यहां मैं तोप में घुसता था और वो वहां दूसरी जगह से निकलता। हाँ ट्रिक तो अच्छी थी तुम दोनों की। मेरे बगैर वो कभी कोई शो करता ही नहीं था। जब भी शो होता था उसके एक दिन पहले वो मुझे लेने आता था। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे जो घूंघट में उसके साथ में आते थे? हाँ, वो कोई औरत नहीं, वो मैं ही था। वेताल चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसलिए
वो मुझे छुपा के लाता था। तो वो घर क्या तुम्हें वेताल ने देके रखा था जहां पे तुम रहते थे? हाँ, जरूरत भी तो उसी की थी। इतना पैसा कमाया उसने मेरी वजह से। मान लिया कि तुम्हारी वजह से उसने पैसे कमाए, मगर तुम्हें पैसे भी तो देता था वो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के उसका खून कर दो। काम छोड़कर जा सकते थे तुम। कोशिश की थी मैंने, काम छोड़ना चाहता था मैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। कहता था अगर मैंने काम छोड़ा तो मैं जान से जाऊंगा। सर, कमाल का आदमी था ये वेताल। एक तो फायदा उठा रहा और ऊपर से धमकी भी दे रहा। तुमने उसे मारा कैसे? मैं हमेशा उससे कहता था कि कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि उसकी जगह पर मैं परफॉर्म करूं। मैं क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहूं? मैं असली जादूगर बनूं और वो नकली। मतलब वो तोप में घुसेगा और तुम दूसरी जगह से बाहर निकलोगे। और मेरे बार बार कहने पर वो मेरी बात मान गया। और मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी कि कब मुझे वो मौका मिले और मैं उसका काम तमाम कर दूं। और लोगों को पता ही नहीं चलता तुम्हारे बारे में, है ना? हाँ, उस दिन जैसे ही इंटरवल हुआ और आखिरी एक्ट की तैयारी चल रही थी, तब वेताल जब काफी देर तक नहीं लौटा तो वहां पे हंगामा हो गया। तभी मैं मौका देखकर भेस बदल कर ऑडिटोरियम के पीछे के रास्ते से निकल गया। अरे तू यहां पर क्या कर रहा है? वेताल को मैंने बेहोश किया, उसके बाद उसके बॉडी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। फिर उसकी लाश को जलाकर फेंक दिया। मैंने सोचा था साहब मैं यहां से भाग जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं और जाके रह लूंगा। अच्छा, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे पंजों से बचना बहुत मुश्किल है। सोचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझ तक पहुंच जाओगे। तुम्हें लगा कि हम लोग ये मान लेंगे कि जादूगर वेताल की मौत एक हादसे में हुई? हाँ, और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता तो अब भी साफ है, मगर फांसी का रास्ता। अब दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें बचा नहीं सकता फांसी के फंदे से।